जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम यहाँ पे निफ्टी 50 की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आप सभी के बीच लाए हैं। कल के एनालिसिस वीडियो में हमने आप सभी को बताया हुआ था कि मार्केट जो है इस गैप को फिल कर सकती है, और गैप को फिल करेगी तो आपके लिए रेंज मैंने बताई थी। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने एक दिन पहले नहीं, दो दिन पहले लगाई हुई थी, जब ये मार्केट इतनी सारी गैप अप हुई थी, और गैप अप के बाद ये रेजिस्टेंस मैंने पहले बताया हुआ था कि ये रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। दूसरे दिन जब ये वाली मार्केट चली थी 30 तारीख को, तब भी मैंने बताया था कि मार्केट जो है इस रेंज में रह सकती है, क्योंकि गैप अप हुई तो थोड़ा रेस्ट इस रेंज में जरूर करेगी। फिर कल के वीडियो में मैंने आज के लिए बताया था कि मार्केट जो है इस लेवल के नीचे अगर आती है, ये वाला लेवल मैंने दिया था आप सभी को 18,580 के नीचे, तो सीधा 80 पॉइंट्स का टारगेट आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड में, और इसी 80 पॉइंट में मार्केट जो है घूम सकती है, ये क्लियर हमने बोला हुआ था। तो भैया, एक दिन पहले जो एनालिसिस वीडियो करता हूं, इससे ज्यादा एक्यूरेसी और मैं क्या प्रोवाइड ही करा दूं। आप सभी अगर प्रॉफिट कर लेते हैं तो देखिए, आपके लिए इतना बहुत है। बहुत का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे नहीं एंट्री आपने मिस कर दी, तो ये बैक गई है ऊपर की तरफ, यहाँ पे एंट्री लेके इसका स्टॉप लॉस लेके आप बैठ सकते थे नीचे की साइड में, और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कौन सी करनी है, या फिर प्रीमियम कौन सा लेना होता है, कहाँ पे कैसे क्या टारगेट्स होने वाले होते हैं, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ता है। तो समझने के लिए इतनी सारी चीजें आप सभी को बताता हूँ। अब आज मैं फिर से बताऊंगा कि कल क्या मार्केट में पंगा हो सकता है। कल देखिए है एक्सपायरी डे, और एक्सपायरी डे के दिन अगर आप होल्ड होल्ड के चक्कर में पड़ गए, तो अगर नए हैं तो आपके प्रीमियम जो है जीरो भी हो जाते हैं। कई बार आपका जैसे मान के चलो 18,500 की कॉल या फिर पुट बाय करके आपने रखा हुआ है, और 500 के ऊपर ही मार्केट ट्रेड किया करती है, नीचे नहीं जाती, तो ये आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि पहले भैया लर्निंग करो, देन उसके बाद में अर्निंग का सोचो, क्योंकि आपके पास जो है कम से कम वो तो बचा रहे, वो तो सेफ रहे। यहाँ पे छोटा सा मुझे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखा हुआ, बट ये एक रेंज बन गई, ये रेंज इस रेंज से मिलती जुलती नजर आई। तो कल की जो रेंज होगी, कल की रेंज थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं। आज का जो डे लो है, डे लो पे मैं एक लगाता हूं लेवर, और इसको कनेक्ट करता हूं 18,480 से। इसको मैंने थोड़ा सा बफर इसलिए कर लिया क्योंकि बैकएंड में मैंने देखा कि ये एक सपोर्ट ले रहा है, और यहीं से एक डिमांड आई और गैप यहाँ पे एक अच्छा खासा देखने को मिला, और ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेड करने लगी। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, मार्केट अगर इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है 18,480 के रेंज में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ से कॉल साइड में एंटर कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सस्टेन रहती है मार्केट, तो थोड़ी देर। और आपको टारगेट क्या लेना है, टारगेट फिर आपको अपर साइड में सबसे पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 18,540 का, यानी 60 पॉइंट का टारगेट छोटा नहीं होता है। और इसके बाद में जो टारगेट आपको मिलेगा, उसके लिए मैं फिब रिट्रेसमेंट का लेवल ड्रा करता हूं, तब आपको बताता हूं सारी चीजें। हाँ, उसके बाद का जो आपको टारगेट मिलेगा, आज का जो डे हाई के आसपास का टारगेट है वो मिलेगा, बट इसको मैं थोड़ा सा बफर करता हूं 580, और लेता हूं 600 का लेवल। ओके, हाँ 600 का लेवल ले लेता हूं, और इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेके जाता हूं 660। ये अपर साइड के लेवल्स हो जाते हैं, मतलब अब दोबारा से यहां पे आप नोट कर सकते हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 18,540 को क्रॉस करती है तो मैक्सिमम 18,600 का लेवल मिलेगा ऊपर साइड में, और इसके बाद अगर ट्रेड करती है तो मार्केट फिर 18,660, बस इससे ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा भारी गैप अप या गैप डाउन नहीं होती तो बस यही लेवल होने वाले हैं, एक ये लेवल, एक दूसरा ये लेवल, तीसरा ये लेवल अपर साइड में, ठीक है। ये कंसोलिडेशन एरिया है, इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड में मार्केट आएगी तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, रेस्ट कर सकती है, ये वाला एरिया मैंने बताया था आपको, तो उसी प्रकार से ये भी एरिया रेस्ट एरिया है निफ्टी का, तो निफ्टी के रेस्ट एरिया में निफ्टी रेस्ट करेगी, तो यहाँ पे अगर ट्रेड करें तो बहुत शार्पनेस तरीके से करें, अदरवाइज लॉस खा जाएंगे आप, जान भी नहीं पाएंगे आपकी कैपिटल कब जीरो हो जाती है, ठीक है। डाउन साइड के एज इट इज वैसे के वैसे लेवल रहने वाले, बहुत ज्यादा अगर गैप डाउन या फिर मार्केट गिरावट नहीं करी तो फिर आपको मिलेगा मार्केट जो है 18,540 के नीचे अगर रहती है, ट्रेड करती रहती है, तो मैंने आपको बताया कि 18,480
से लेकर के 540 के बीच ये रेंज ही बनेगी। तो अगर इसके नीचे ब्रेक करती है 18,480 के लेवल के नीचे अगर ब्रेक करती है तो 18,430 का लेवल मिलेगा। इसके बाद 18,390 का लेवल आपको डाउन साइड में मिलेगा। ये चाहे ये पहला और दूसरा मान लें, या फिर ये पहला ये दूसरा ये तीसरा मान लें, कुल मिला के ये सपोर्ट लेवल है। और टारगेट को समझने के लिए यहाँ पे आपके लिए इतना काफी है। वीडियो को अगर ठीक तरीके से नहीं देखें, दो बार तीन बार चार बार देख लेंगे, जरूर आपके समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में हम आप सभी को लाइव बताते हैं, यहाँ पे लाइव जुड़ते हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशन एक दिन पहले तो बताते ही बताते हैं। साथ में मेरी जो पोजीशंस होती हैं मैं आप सभी को शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में, तो उन्हें देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने डाल दी है, उसे देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।